नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। वक्त तो चला सुपरफास्ट खबरों का, लेकिन उससे पहले हम आपको तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे। और जो बड़ी खबर है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है, ड्रोन नियमावली पर जुड़ी बैठक। आज बड़ी बैठक होने जा रही है, सीएम योगी नई नियमावली पर करेंगे बैठक। नागरिक उड्डयन विभाग के अधिकारी होंगे शामिल, गृह पुलिस विभाग के अफसर रहेंगे मौजूद, औद्योगिक विभाग के भी अफसर होंगे शामिल। ड्रोन उड़ाने को लेकर बन सकती है नई नियमावली, ग्रीन जोन में ड्रोन उड़ाने पर मिल सकती है छूट, उद्योगपतियों को छूट पर भी फैसला संभव है, सिविल एविएशन सेक्टर को भी छूट संभव है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ड्रोन को लेकर एक नई नियमावली बन सकती है। हमारे साथ हमारे एसोसिएट एडिटर अजीत और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए। अजीत, ड्रोन को लेकर बताया जा रहा कि कुछ नए नियम बन सकते हैं, क्या कुछ अपडेट? देखिए बिल्कुल जेपी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 11:30 बजे इसी बात को लेकर एक बड़ी बैठक है, ड्रोन में नियमावली के बदलाव को लेकर। कई बार देखा जाता है कि जो सुरक्षा वाली जगह है, जैसे बनारस में काशी विश्वनाथ है, अयोध्या है, मथुरा है, वहां पर ड्रोन बगैर परमिशन के लोग उड़ा देते हैं और फिर पुलिस के लिए बहुत सिरदर्द बन जाता है। तो ड्रोन नियमावली होगी, नियमावली में कई सारे नियम बनाए जाएंगे, कहाँ पर ड्रोन उड़ेगा, कहाँ पर नहीं उड़ेगा, जो ड्रोन उड़ेगा उसका वजन कितना होगा और किस एरिया में उड़ेगा, कितनी हाइट पर उड़ेगा, इन सब को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बड़ी बैठक है, जिसमें प्रमुख सचिव गृह समेत कई विभाग के अधिकारी मौजूद होंगे। दूसरी बात, मुख्यमंत्री योगी चाहते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल सार्वजनिक स्थानों पर हो चुके, कई बार आपने कोविड में देखा तो कोविड वैक्सीन या जीवन रक्षक दवाओं को ले जाने में ड्रोन सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है। अगर किसी पहाड़ी पर घर है, किसी जंगल में घर है, जहां आप रोड के जरिए जल्दी नहीं पहुंच सकते, कोई बड़ी आपदा आ गई, बीमारी हो गई, तो वहां पर ड्रोन के जरिए जीवन रक्षक दवाएं पहुंचाई जाएंगी। आपदा की स्थिति में या सुरक्षा की दृष्टि से ड्रोन ऊपर उड़ाया जाएगा, तो ज्यादातर ड्रोन पर फोकस किया जाएगा, क्योंकि आप देखिए उत्तर प्रदेश में लगभग एक करोड़ से अधिक लोगों को घरौनी प्रमाण पत्र जो दिया गया वो ड्रोन के जरिए, कि किस जमीन पर कौन काबिज और कहां पर रह रहा है, तो ड्रोन का इस्तेमाल अच्छे से किया जाए। स्वास्थ्य क्षेत्र हो या दूर दराज का क्षेत्र हो, कहीं आपदा आए वहां पर ड्रोन का इस्तेमाल होगा, तो कृषि या राजस्व के मामलों में भी योगी सरकार ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर पक्ष में है। इसलिए ड्रोन की जो कैपेसिटी है, जो ड्रोन का वजन है, उसको कैटराइज किया जाएगा, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी बैठक, क्योंकि ड्रोन देखिए कई तरह से मददगार साबित होता है और कई बार ये सुरक्षा के लिए खतरा भी होता है, तो उसको लेकर नियमावली क्या किस तरह बनाई जाए, उसमें नियमावली में क्या क्या चीजें होंगी कि कहां पर उड़ा सकते हैं, जैसे जहां हम खड़े हैं मुख्यमंत्री आवास हमारे सामने है, ये एरिया रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है, विधानसभा का हो सकता है, लेकिन जहां पर बड़े एरियाज हैं, जैसे गोमती रिवर फ्रंट की तरफ इलाके या जहां जो इकोनो स्टेडियम है, सुरक्षा कारणों से उससे निगरानी भी की जाएगी। और सबसे बड़ी बात जो हमने बात कही, दवाएं और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां आप जल्दी से नहीं पहुंच सकते, ड्रोन के माध्यम से आप 5-10 मिनट में पहुंच सकते हैं, और साधन से रास्ते से जाएंगे तो कई घंटे आपको लगेंगे पहाड़ी इलाकों में या जंगल के इलाकों में, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं ये बड़ी कवायद और ये बैठक और जो ड्रोन की नियमावली है, ये आगे चलकर मील का पत्थर साबित होगी स्वास्थ्य, रोजगार और राजस्व के क्षेत्र में। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत, हमारे सहयोगी। आपको बता दें, हमें अपडेट बता रहे थे कि आज जो ड्रोन को लेकर नए नियम बनने जा रहे हैं।